खाने के बाद फिर वापस से एक गिलास पानी पीता हूँ। नहीं उसके बाद जो आपने बताया वो तरीका अपना रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कभी कंटिन्यू रहता है, कभी इच्छा नहीं होती खाने की, वही चलता है। नहीं, मुझे ये बताओ, जो भी है, आप जब से इस मशीन को, प्रजीवन मशीन को जब से आपने शुरू किया, पानी को या जो भी मेरे से मिलने के बाद में जो भी एजुकेशन आपने लेके और बॉडी में ट्राई किया, और आपने इतना थैला भर के, जो आपके हाथ में दवाइयों का जो थैला था भरा हुआ, इसमें 50 तरह की दवाइयां थी, है ना, तो वो बॉडी की जो स्टडी थी उसके पहले, इनकी सब शुरुआत करने के पहले, और अब जो आपने ये जो समय निकाला अभी, जो भी 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, उसमें आपकी बॉडी का इंट्रोडक्शन में कुछ फर्क आया कि नहीं आया? हाँ, एनर्जी तो बहुत आ गई सर। अच्छा, हाँ एनर्जी तो बहुत आ गई है। अभी तक मैंने ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया है कि कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। अच्छा, मैं चेक कराऊंगा डॉक्टर साहब के यहाँ जब जाऊंगा तो। उन्होंने 1 महीने बाद बुलाया था, तो अभी 5 तारीख को 1 महीना पहुंच जाऊंगा उनके पास। तो एनर्जी में फीलिंग क्या आपको महसूस हो रही है? मतलब मैं जो दवाई खाता था ना, तो दिन भर नींद ही नहीं आती थी। ठीक है, तो नींद नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ ऑफिस जाना हो रहा है, तो कभी कभी छुट्टियां हो जाती थी ऑफिस पे, घर पे ही पड़े रहो फिर। ओके, इस तरीके से। तो आप गोली भी खा रहे हो और ये भी कर रहे हो? हाँ दोनों। अच्छा, अब आप गोली खा रहे हो फिर भी नींद नहीं आ रही है? हाँ, पहले गोली खा रहे थे नींद आ रही थी। हाँ ओके ओके, तो अब ये गोलियां बंद कर दो ना। हाँ मैं एक बार डॉक्टर साहब से क्या थोड़ा डर है सर, और कोई बात नहीं। अरे डर, डर के पीछे जीत है सर। अच्छा, डर भगाओगे तो जीतोगे, मरोगे नहीं, कंफर्म मान के चलना। हाँ मरोगे तो नहीं। हाँ भाई, डेमेज वेमेज हो गया तो क्या क्या? देखो बीपी नापने का एक लिया हो फार्मूला, 2-3 हजार का आएगा बीपी नापने का। हाँ नहीं, ऐसे 24 घंटे बीपी हाई नहीं रहता, एकदम से होता है वो, एकदम से। अरे वो होता है तो आपकी बॉडी तो इंट्रोड्यूस करेगी ना, आपको पता चलता होगा ना मेरा बीपी हाई हो रहा है। हाँ हाँ, ऐसा लगा मेरे को नहीं, रियली अभी लगा नहीं कुछ भी ऐसा। तो फिर अभी नहीं लगा तो आप गोली क्यों खा रहे हो? ये बात ही कह रहा हूँ, जब आपका बीपी नॉर्मल फिर गोली क्यों टेक रहे हो उसको? हाँ। ये कह रहा हूँ। और अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो फिर उस शुगर की गोली क्यों खा रहे हो आप? नहीं, शुगर तो मेरी वाइफ को ही। अच्छा, आपको खाली ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है? हाँ, है ना, तो बिल्कुल। अच्छा, उनको क्या फील हो रहा है आपकी धर्मपत्नी को? उनको नॉर्मल ही है बीपी, वो जो है ना 130-140, उसकी चेक करते रहते हैं अपन रेगुलर। ठीक है, मतलब सप्ताह में शनिवार है, शनिवार में चार, शनिवार के दिन 4 बार चेक होती है। ठीक है, है ना, सुबह खाने खाने के दोपहर में, मतलब नाश्ते के पहले, फिर नाश्ते के बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद, फिर रात को खाना खाने के पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल नॉर्मल है वो। अच्छा, मतलब ये अपना रिजवन पानी पीने से पहले और रिजवन पानी पीने के बाद में बॉडी को, उनके डायबिटीज में उनका इंट्रोडक्शन उनको बेटर देन? बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। ये तो पहले तो 170-160 ऐसा रहता था रेशो। अच्छा, हाँ ओके, अब वो रेशो बहुत कम हो गया है, 130, 140, 120 इस तरीके से अलग अलग है, 134। सही बताऊं तो उनको गोली की जरूरत नहीं है अब। अच्छा हाँ, लेकिन आपका जो डर है ना, हाँ अब इसको कौन बताएगा? सही है सर। या तो मैं इंदौर आ जाऊं, वहीं 2-4 दिन रुकूं आपके हाँ, पास रुकूं, और हाँ, फिर मेरे नजर में कॉन्फिडेंस में मैं ध्यान दूं, हाँ, हाँ, तो ये डर भगेगा ऐसा लग रहा है मेरे को तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आएंगे तो रुकेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है रुकने में। हाँ तो भाई डर भगाओ, अब जब आपका शुगर 130, आप ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई, भूखे पेट और खाना खाने के बाद अगर शुगर 250 से ऊपर जाती है, दोनों को जोड़ दो, दोनों की जोड़ लगा दो, भूखे पेट की जोड़ लगा दो और खाना खाने के बाद की जोड़ लगा दो, 250 से ऊपर जाती है तो गोली खाओ ना, कौन मना करता है। लेकिन अगर 250 से नीचे है तो गोली देने की जरूरत नहीं है। सही बात है, और वैसे ब्लड प्रेशर की है तो गोलियों से दूर भागना है, गोलियों से दूर हटना है आपको, इसी उद्देश्य से तो अपन ये सारा रिसर्च किया है काम पानी को लेके। फिर क्या, फिर तो गोली भी खा रहे हो और ये भी ट्रीटमेंट, तो दोनों ही काम थोड़ी चलेंगे। गोली भगाना हमारा उद्देश्य है ना। 5 तारीख को एक बार अच्छे ट्रीटमेंट करवा के और उनसे कम से कम पावर लिखवा लेता हूँ। हाँ एक दिन छोड़ के अपन स्टार्ट करेंगे, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के।
ठीक है, धीरे-धीरे खत्म कर देंगे ना। बस यार आप सबसे बड़े इंदौर के टेस्टिमोनियल्स रहोगे ना यार हमारे रेजुएन एल्कलाइन वाटर के सर, और हम तो पूरे एमपी में आपका ढिंडोरा पीटेंगे इस बात का कि ये लो हमारा ओरिजिनल पेशेंट जो थैला भर के उदयपुर लेके आए थे मुझे दिखाने के लिए कि इतनी सारी में दवाइयां खाता हूँ, और आज की तारीख में आप लाए, मैंने देखा ना इतना बड़ा थैला पाव आधा किलो का। तो और आज इनके पास में थैला क्या एक गोली भी हाथ में नहीं है, सही बात है ना। तो हम चाहेंगे हृदय से कि आप इन दवाइयों से दूर हो जाए और एक नेचुरलपैथी से आपकी जिंदगी चलती रहे बस। और ये कम उम्र है आपकी, कोई दवाइयों की उम्र थोड़ी है। हाँ अभी क्या उम्र है आपकी, 30-35 साल की हो मुश्किल से। हाँ तो बस, तो फिर अभी क्या उम्र, अभी तो 70 साल के हो जाओ तब आप गोली का थैला लेके घूमना, तब भी हम आपको गोली का थैला लेके नहीं घूमने देंगे अगर हम जिंदा रहे तो। इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सर आप तो क्या है संवारने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बिगाड़ने वाले, तो संवारने वाले को तो लंबी उम्र दे ऊपर वाला, कोई दिक्कत। अरे सर 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 हम तो ऐसी रिकॉर्डिंग दे जाएंगे आपको, ऐसी चीजें दे जाएंगे जिसको आप फिर, आपको भी तो खड़ा होना हमारी सीट पे। क्या हमें ही वो काम करते थोड़ी रहना है, फिर आप डुप्लीकेशन, फिर आपको फायदा होगा तो आप हजार लोगों को आप फायदा देने के लिए आप भी तो खड़े होंगे ना। डुप्लीकेशन तो होना, डुप्लीकेशन होगा तो हमारा इंडिया में कितने ऐसे यंगेस्ट हैं, कितने ऐसे जो है कि कंफ्यूज्ड हैं और एक फोबिया एक डर उनके जीवन में घुसा हुआ बीमारी को लेके, वो फोबिया बीमारी वो हटाना ही तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनको दवाइयों की जरूरत नहीं है फिर भी दवाइयों पर टिके हुए, वो एक बार एक्सीडेंट हुआ था रोड के ऊपर वो दौड़ना ही बंद कर रहे हैं। सही, एक्सीडेंट एक ही बार तो हुआ था आपका, अगवाई पैरालिसिस का झटका आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ठीक है वो पैरालिसिस का झटका आया तो ब्लड प्रेशर हैवी हुआ और आप शायद उस वक्त डिप्रेशन के दौर में घूम रहे होंगे, वो दौर आपका सही नहीं था, मानसिक तनाव से भरा हुआ दौर रहा होगा जी, है ना, और उस दौर के अंदर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो वीकनेस हो गया होगा, इधर ब्लड प्रेशर हैवी होगा, आपको किसी ने संभाला नहीं होगा, मानसिक रूप से आपसे आप एकांत में चले गए होंगे, मानसिक रूप से आप काफी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो गए होंगे, वहां वो क्लोटिंग आ गई है। और आज की तारीख में आप मानसिक रूप से ठीक हो पहले से, तो बस आप ठीक हो, इससे बड़ा क्या डेफिनेशन है लाइफ का, है ना। तो अगर हम उस वक्त मिले होते तो आप वो घटना भी नहीं होती, लेकिन उस घटना से डर बैठ गया अब आपके जीवन में, डर बिठाने वाले लोग भी तो बैठे हैं ना जिनकी दुकानें चलानी है। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, डॉक्टर है वो। डॉक्टर होते तो वो तो डॉक्टर का बड़ा नाम है साहब, डॉक्टर शब्द का नाम बहुत बड़ा, भगवान का नाम डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर नाम बीमार हुआ था ना उस समय 2015 में, तो 15 दिन की फीस उनकी 500 रूपए और 1500 रूपए की दवाई देते थे वो 15 दिन की। अच्छा, तो ये समझ लीजिए 4000 रूपए महीने का पेशेंट बन गया था उनका में। वेरी गुड, वो भी करीबन 6 महीने यूज करा मैंने उनको, इंदौर के अच्छे डॉक्टर ने। फिर वो एक आयुर्वेदिक वाले के पास गए, उन्होंने भी दिया, फिर वापस एलोपैथी पे अभी आए। सबको मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है कि डायबिटिक के पेशेंट कितने इकट्ठे हो रहे हैं, इसके ब्लड प्रेशर के पेशेंट कितने इकट्ठे हो रहे हैं, उनका तो मार्केट बन रहा है ना सर। सही बात है, हम क्या, हम तो यूजर बढ़ रहे हैं ना। आज आपको जीवन में कोई भी काम करते हो तो आप तो भगवान से यही कहोगे ना कि मेरे यूजर ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आ गए, बस वही एडमिशन हो रहा है ना, आपका भी एडमिशन हो गया, अब उस एडमिशन से हम आपको वहां से छुड़वाएंगे पूरा। ठीक सर,